नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। राजद्रोह कानून को लेकर भारतीय विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। राजद्रोह कानून को लेकर विधि आयोग के अपनी सिफारिश सरकार को सौंपने के बाद नजरे समान नागरिक संहिता को लेकर रिपोर्ट पर टिकी है। माना जा रहा है कि विधि आयोग समान नागरिक संहिता को लेकर अपनी रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंप सकता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा 21 जून को योग दिवस पर मदरसों, मजारों और दरगाहों से संपर्क कर योग कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा अभियान चलाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश में 400 कार्यक्रम प्रमुखों के साथ 900 जगहों पर योग के कार्यक्रम होंगे। जून महीने की शुरुआत हो गई है और राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में मौसम में राहत बरकरार है, लेकिन अब जल्द ही गर्मी का सितम शुरू होने वाला है। देश के कई राज्यों में बारिश बूंदाबांदी से राहत है तो कई राज्यों में हीटवेव का कहर शुरू हो गया है। इसी बीच दिल्ली में भी तापमान हल्के हल्के बढ़ने लगा है। भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप से घिरे सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ उनकी ही पार्टी बीजेपी के भीतर भी स्वर उठने लगे हैं। फतेहपुर सीकरी से बीजेपी के सांसद और किसान मोर्चा अध्यक्ष राजकुमार चाहर पहलवानों के पक्ष में आ गए हैं। बाघों के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले उत्तराखंड के रिजर्व फॉरेस्ट में बाघों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक समीर सिन्हा ने बताया कि जनवरी 2023 से लेकर अब तक 12 बाघों की मौत हुई है। इसको लेकर उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो मौत की वजह तलाशने की कोशिश कर रही है। विक्की कौशल और सारा अली खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म जरा हटके जरा बचके ने बड़े पर्दे पर दस्तक दी है। दोनों कलाकारों के फैंस इस फिल्म के लिए काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म समीक्षकों ने जरा हटके जरा बचके को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। इस बीच विक्की कौशल और सारा अली खान की इस फिल्म को पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आया है। सतना जिले में अपने नियमित क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम के तहत कलेक्टर अनुराग वर्मा रामनगर तहसील क्षेत्र के भ्रमण पर रहे। उन्होंने 5 विकासखंड के लिए क्रियान्वित की जा रही बाणसागर ग्रामीण समूह नल जल योजना फेज 1 के कार्यों का निरीक्षण किया। वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानव्यापी मामले पर बड़ी खबर सामने आई है। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी के मुख्य पैरोकार जितेंद्र सिंह बिसेन ने मुकदमा छोड़ने का ऐलान किया है। जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा, यह धर्म युद्ध लड़ते लड़ते समाज ने हमें गद्दार घोषित कर दिया। मेरा परिवार मुसीबतों से लड़ रहा है। मैं खुद को उन सभी मुकदमों से हटाता हूँ जो हमने देश और धर्म के हित में कोर्ट में दायर किए थे। हिमाचल प्रदेश में कई दिनों तक मौसम खराब रहने के बाद शनिवार को मौसम खुल गया है। धूप खिलने से तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शिमला में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं शनिवार को तापमान बढ़कर 11.6 पहुंचा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के बाद शनिवार को इंदौर से दिल्ली रवाना हो गए। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे पर विदाई के वक्त प्रचंड को उनकी एक तस्वीर भेंट की। इस तस्वीर की खासियत यह है कि इसे कपड़ों की अनुपयोगी कतरनों से तैयार किया गया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।